हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेरेस आइलैंड। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि आप सिर्फ दो रुपए में आप कैसे बेहतरीन फर्टिलाइजर बना सकते हैं, आप खाद कैसे बना सकते हैं पौधे के लिए। तो फ्रेंड्स, जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, ये है गोबर का उपला, जिसे कहीं कुछ लोग कंडे के नाम से भी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं इसी की बात कर रहा हूं। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे सिर्फ 2 रुपए के कंडे से आप बेहतरीन फर्टिलाइजर और खाद बना सकते हैं, जो कि आपके पौधों को एनपीके देगा, मतलब कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम आपके पौधों को भरपूर मात्रा में मिलेगा, जिसके लिए आपको यूरिया की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मार्केट से आपको केमिकल फर्टिलाइजर नहीं लेना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये गोबर के उपले में आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तीनों मिल जाते हैं, और बल्कि और कुछ मिनी न्यूट्रिएंट्स भी आपको इसमें मिल जाते हैं, जैसे कि जिंक है, मैग्नीशियम है, आपको वो इससे मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ कि ये आपको कहीं से भी आपके आसपास मिल सकता है, कहीं से भी आप चेक कर सकते हैं, आपके एरिया में ज़रूर होगा, और ये बहुत ही कम रेट में सिर्फ 2 रुपए में एक आपको मिल जाएगा। और एक गोबर के उपले से आप लिक्विड फर्टिलाइजर तो बना ही सकते हैं, साथ के साथ सूखा गोबर का खाद भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड, आज मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप इससे बना सकते हैं खाद और लिक्विड फर्टिलाइजर। तो फ्रेंड, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये गोबर के उपले को मैंने अभी 3-4 दिन पहले छोटे छोटे टुकड़े करके इस पानी में भिगोया था, ये देखिए। और इस पानी भिगोने के बाद, ये 3-4 दिन बाद इसका ये पानी मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसा हो गया है। ये देखिए फ्रेंड, इसका पानी कुछ इस कलर का हो गया। ये हमारा लिक्विड फर्टिलाइजर तैयार हो चुका है। सिर्फ 3 से 4 दिन आपको, अगर सर्दियों का टाइम है, आप 3-4 दिन आपको लग सकते हैं, 5 दिन, और अगर गर्मियों के टाइम आप इसे बनाते हैं तो आप इसे सिर्फ 3 दिन में बना सकते हैं। और इसे 2 से 3 दिन रखना बहुत ज़रूरी है, तभी इसके न्यूट्रिएंट्स आपको लिक्विड फर्टिलाइजर के रूप में मिलते हैं। और अगर आप इसे सूखा इस्तेमाल करते हैं तो वो भी बहुत सही। देखिए, मैं अब आपको बताना चाहता हूँ, ये इससे हम बनाएंगे गोबर का खाद, और ये हमारा जो इसे निकालने के बाद जो इसमें बचता है वो है लिक्विड फर्टिलाइजर। मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। ये फ्रेंड्स, हमारा लिक्विड फर्टिलाइजर तैयार है। चाहे तो आप इसे छानकर भी पौधों में दे सकते हैं, या आप डायरेक्ट इसे इसी तरह भी दे सकते हैं। ये मेरा लिक्विड फर्टिलाइजर तैयार है। इससे आप अपने फूलों के पौधों में, या फिर आप अपनी ग्रीन लीफी में, जैसे पालक, मेथी, सरसों हैं, आप उसमें डाल सकते हैं, क्योंकि उसमें हम सूखा गोबर का खाद नहीं डाल सकते हैं। वो आप उसमें लिक्विड फर्टिलाइजर देंगे तो बहुत सही होगा। ये हमारा एक गोबर के उपले से हमारा कम से कम 2 से 2.5 लीटर हमारा फर्टिलाइजर, लिक्विड फर्टिलाइजर तैयार हो जाता है। आप इसमें चाहें तो कुछ लीटर पानी डाल सकते हैं, 2 से 3 लीटर पानी डाल सकते हैं, तो आपका ये 4 से 5 लीटर लिक्विड फर्टिलाइजर तैयार है। आप इसे डायरेक्ट ऐसे ही पौधों में दे सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि हम इसे सूखा गोबर का खाद कैसे बनाते हैं। ये देखिए, ये बहुत ही सॉफ्ट हो चुका है, और अब आप इसे ऐसे ही तोड़ सकते हैं। ये हमारा गोबर का खाद तैयार है, सिर्फ 2 रुपए में। फ्रेंड्स, आप लिक्विड फर्टिलाइजर तो बना ही सकते हैं, सबके साथ आप गोबर का खाद भी बना सकते हैं। ये फ्रेंड्स, अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको गोबर का खाद किस में देना और लिक्विड फर्टिलाइजर किस में देना। आप इस लिक्विड, इस गोबर के खाद को आप महीने में एक बार अपने पौधों में डाल सकते हैं, जैसे आपके फूलों के पौधे हैं या सब्जियों के पौधे हैं, बैंगन है, मिर्ची है, तुरई है, आप किसी में भी आप इसे डाल सकते हैं। और ये बहुत ही सस्ता और बेहतरीन उपाय है आपके पौधों को, अगर आपके पौधों की लीफ पीली पड़ रही है तो आप उसे उसमें से इस्तेमाल कर सकते हैं, या फ्रूटिंग कम हो रही है, आप पौधा ग्रो नहीं कर पा रहा है, तो आप उसे इसमें डाल सकते हैं। और ये हमारा लिक्विड फर्टिलाइजर तैयार है, ये देखिए, जिसे आप अपने ग्रीन लीफी प्लांट्स में डाल सकते हैं, जो कि हमारी जमीनी सब्जियां होती हैं, पत्तेदार सब्जियां होती हैं, जैसे कि तोरई, वो पालक है, मेथी है, या बथुआ है, या धनिया है, आप इसे उस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इसे यूज़ कीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपका लिक्विड फर्टिलाइजर और गोबर का खाद कैसा रहा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।